उर्दू यूनिक वर्ल्ड के मोसिस दोस्तों, मैं हूँ तस्लीम राजपूत। आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक का सफर चाहे ही आस्ता रहा हो, पर रेलगाड़ी के आगे का सफर बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है। इतना के घर बैठे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने जो आज तक नॉर्मल ट्रेनों में जो सफर किया है वो तो कुछ भी नहीं था। पर दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में बताऊंगा, जिनको देख के आप जरूर कहेंगे कि अब दुनिया का मुस्तकबिल बदलने वाला है, क्योंकि इनकी स्पीड और टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज और एडवांस है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10 ट्रांस रैपिड 07 ट्रेन। दोस्तों, इस लिस्ट को हम शुरू करते हैं जर्मनी की तेज तरीन ट्रांस रैपिड 07 से। ये एक हाई स्पीड मोनोरेल ट्रेन है जो की मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से तेज रफ्तार से चलती है। दोस्तों, आगे लिस्ट में हम मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में काफी कुछ सुनने वाले हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि इस मैग्नेटिज्म में ट्रेन एक डाइपोल मैग्नेटिंग की तरह काम करती है और रेलवे ट्रैक मैग्नेटिंग की तरह काम करता है, जिस वजह से ट्रेन ट्रैक पर लेविटेट करते हुए हाई स्पीड से दौड़ने लगती है। इस ट्रेन को 1993 में जब टेस्ट किया गया, तब इस ट्रेन की स्पीड 450 किलोमीटर पर घंटा की थी। दोस्तों, 160 फीट लंबी ये ट्रेन 175 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 53 मिनट्स में तय कर सकती है। नंबर 9 CRH380BL ट्रेन। दोस्तों, 16 डब्बों वाली इस हाई स्पीड ट्रेन को चाइना ने 2010 में इसका आगाज किया गया था। जब इसका आगाज किया गया, तब इसकी स्पीड देख के चाइना के लोगों में तहलका सा मच गया था। प्यारे दोस्तों, इस ट्रेन का डिजाइन बिल्कुल एक सांप की तरह का है। दरअसल, इसकी शक्ल को एरोडायनेमिक शेप यानी हवाई हरकत कहा जाता है। इस शेप की वजह से ये ट्रेन हवा को चीरते हुए बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों, जब इसकी स्पीड चेक की गई, तब इस ट्रेन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तब इस ट्रेन की रफ्तार 487 किलोमीटर फी घंटा की थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। आपको बताते चले, इस ट्रेन ने उस वक्त चाइना के न्यूज हेडलाइन में अपनी जगह बना ली थी, ना कि इसकी स्पीड के बल्कि अपनी बनावट के लिए भी। दोस्तों, कई इंजीनियर के मुताबिक इस ट्रेन के डिजाइन को मुश्किल बताया गया था, जिसके चलते इस ट्रेन को कुछ हिस्से के लिए बंद भी कर दिया गया था। नंबर 8 शंघाई मैगलो ट्रेन। दोस्तों, एक बार फिर चाइना इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। वैसे इस ट्रेन को जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ट्रेन भी ट्रैक पर लेविटेट करते हुए चलती है, जिससे कि ये इतनी हाई स्पीड बहुत ही कम वक्त में हासिल कर लेती है। इस ट्रेन का आगाज 2004 में कमर्शियल मकसद के लिए किया गया था। आपको बता दें, शंघाई मैगले चाइना की सबसे पुरानी कमर्शियल ट्रेन में से एक है, जो कि शंघाई में आज भी चल रही है। दोस्तों, मुसाफरों को बिठाकर ये ट्रेन 431 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन को बिना मुसाफरों के जब इसकी स्पीड को चेक किया गया, तो इसकी हाई स्पीड 501 किलोमीटर फी घंटा की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है। TGV अटलांटिक ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन को फ्रेंच मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन तकरीबन 515 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी दौड़ती है। आपको बता दें, इस ट्रेन को फ्रेंच की एक मल्टीनेशनल कंपनी अल्स्टॉम ने बनाया है। दोस्तों, ये ट्रेन 779 फीट लंबी है और तकरीबन 444 टन वजनी है। तो आखिर आप समझ चुके होंगे कि इसको फ्रेंच मॉन्स्टर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन में काफी ताकतवर मोटर लगाई गई है, जिसकी वजह ये है कि ये भारी भरकम कम होने की वजह से ये ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से चलती है। पर दोस्तों, शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आगाज के कुछ साल बाद इस ट्रेन की शेप को मॉडिफाई किया गया था। इसमें बड़े व्हील लगाए गए और बाद में इतनी तेज स्पीड से चलने लगी। नंबर 6 ML500 ट्रेन। दोस्तों, ये पूरी लिस्ट की बहुत ही मुनफरिद और नायाब ट्रेन है। इस ट्रेन की हिस्ट्री भी थोड़ी पेचीदा है। आपको बता दें, ML500 को जापान में साल 1970 में बनाया गया था और इस ट्रेन को पूरी तरह से तजर्बा करके बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें, ये एक टेस्ट मॉडल है। इसके बनने के पीछे का मकसद पता करना था, आखिरकार इस ट्रेन की स्पीड को आखिर किस तरह ज्यादा किया जाए। दोस्तों, 13.5 मीटर इस लंबाई की ट्रेन को मियाज़ाकी मैगलियो के ट्रेन स्टेशन पर टेस्ट किया गया था, जहां इसने करीबन 517 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की थी, जो कि अपने आप में ही काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस ट्रेन के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के बाद काफी तेज रफ्तार ट्रेन बनाई गई, जो कि आगे हम इस लिस्ट में देखने वाले हैं। नंबर 5 TGV PSO ट्रेन। दोस्तों, ये हाई स्पीड ट्रेन पूरे तरीके से बिजली पर चलती है। तो इस ट्रेन में 26,300 हॉर्स पावर के दमदार मोटर लगाई गई है, जिस वजह से ये ट्रेन 7वें नंबर
पर मौजूद टीजीवी अटलांटिक को हराकर सबसे तेज जीटीवी ट्रेन बन जाती है। दोस्तों इस ट्रेन का स्पीड टेस्ट पेरिस के स्पॉन्ट रूट पे किया गया था, जहां इसकी स्पीड तकरीबन 571 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चेक की गई थी। दोस्तों इस ट्रेन की इतनी स्पीड के चलने के पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स का हाथ है, जिसमें इस ट्रेन में 3D+ कार और 2 पावर्स कार और बड़े व्हील्स और मोडी 5 कंट्री जैसी कई चीजें लगाई गई हैं। दोस्तों इस ट्रेन को भी अल्स्टॉम कंपनी में बनाया गया है। इस ट्रेन को फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी के पास इससे काम लिया जाता है। नंबर 4 MLX-01.2। दोस्तों मैग्नेटिंग लेविटेशन पर चलने वाली इस ट्रेन को नेप्यून सेरियो और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया गया है। दोस्तों ये ट्रेन 9 एक्सपेरिमेंट ट्रेनों में से एक है, जिसे यामानिशी मैकियो रूट पर टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में इसकी स्पीड तकरीबन 581 किलोमीटर फी घंटा मापी गई थी। दोस्तों इस ट्रेन में टोटल 3 ही डब्बे हैं, जिस वजह से यह 0 से 581 किलोमीटर की स्पीड कुछ ही मिनटों में तय कर लेती है। दोस्तों इसकी शक्ल एरोडायनामिक को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि ये ट्रेन आराम से हवा को चीरते हुए निकल सके। दोस्तों 2.5 मीटर लंबी इस ट्रेन को पूरी तरह एल्यूमिनियम एलवे से बनाया गया है और इसको काफी मॉडर्न लुक भी दिया गया है। नंबर 3 मैग्लिव बुलेट ट्रेन। दोस्तों चाइना रेलवे रूलिंग स्टार कारपोरेशन के जरिए बनाई गई ये ट्रेन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये ट्रेन तकरीबन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की अहलियत रखती है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज लगता है। दोस्तों CRRC की तरह हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए मशहूर मानी जाती है और ये इनके जरिए बनाई गई सबसे तेज लेविटेटिंग ट्रेन है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसको मॉडर्न वर्ल्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है और इस ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक का डिजाइन दिया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों बाकी ट्रेन के मुकाबले में इस ट्रेन से काफी नॉइज पोल्यूशन होती है और इसको काफी कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 SC मैग्लिव लॉ ट्रेन। दोस्तों जापान ने इस लिस्ट में एंट्री मार ली है अपनी बेहद सुपर फास्ट एल सीरीज के साथ। ये ट्रेन दिखने में जितनी शानदार है उतनी ही तेज इसकी स्पीड भी है। ये ट्रेन 603 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों इस ट्रेन को इलेक्ट्रिकल चार्ज मैग्नेट की मदद से चलाया जाता है। आपको बता दें स्टार्टिंग में ये ट्रेन व्हील्स पर चलती है, पर थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद इसके व्हील्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और ये ट्रेन अपने पावरफुल मैग्नेट की वजह से हवा में लेविटेट करते हुए चलती है। दोस्तों इसके मैग्नेट्स इतने पावरफुल हैं कि ये ट्रेन पटरी से तकरीबन 4 इंच ऊपर हवा में चलती है। नंबर 1 XP2 वर्जन हाइपर लूप। दोस्तों इस ट्रेन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रेन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर होने वाली है। दोस्तों ये ट्रेन इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से एक बड़े से वैक्यूम ट्यूब से होकर गुजरती है और इस मैकेनिज्म की वजह से आराम से 1223 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल सकती है। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड एरोप्लेन से भी कहीं ज्यादा है और इस ट्रेन की टिकट का दाम एरोप्लेन की टिकट से भी कम है। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा था ये ट्रेन भी ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर होने वाली है। दोस्तों अगर मौका मिले तो आप किस ट्रेन का सफर करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।